प्रिय मित्रों, आजकल जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो वहाँ कई प्रकार के मॉडल्स आते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें भी कई मॉडल्स, एक्टर्स की, एक्ट्रेस की, या स्पोर्ट्स वर्ल्ड के या फैशन शो के मॉडल्स आते हैं, है ना। और जनरली लोगों की बड़ी रुचि रहती है कि देखो वो कैसा हैंडसम है, अरे साहब उसका वो देखिए, नाक देखो, नाक नक्शा देखो, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, अरे उसके कपड़े देखो, क्या मॉडल है साहब, अरे उसके शरीर को देखिए, क्या उसकी शरीर बना हुआ है, उसके मसल्स देखिए, क्या जबरदस्त है, जैसे बोलते हैं ना ही मैन, अरे साहब मॉडल। आजकल हम मॉडल की बड़ी एक तरह से मॉडल के पीछे पड़ जाते हैं, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे एंटरटेनमेंट की दुनिया में हज़ारों मॉडल हैं, मैन और वुमन दोनों, लड़के और लड़कियां। और आजकल लोग क्रेज़ी हो गए हैं मॉडल बनने के लिए। आजकल हर शहर में एक एक मॉडल आ रहा है, लोग अपना अपना मॉडल करवा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अपने शरीर को बना रहे हैं, अपने त्वचा को ठीक कर रहे हैं, बाल को कलर लगवा रहे हैं, मतलब हर प्रकार के मॉडल्स हैं। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ और बात बताता है जो हम देखेंगे। आत्मिक रीति से हम किस प्रकार के मॉडल हैं, क्या हम मॉडल हैं या सिर्फ हम बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर मेरा और आपका ध्यान आत्मिक मॉडल बनना है, जी हाँ, आत्मिक एग्जाम्पल बनना है, आत्मिक उदाहरण देना है। इसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते मेरे दोस्तों, है कि नहीं। शारीरिक रूप से हम बहुत ध्यान देते हैं, कपड़े हैं, सजावट है, डेकोरेशन है, शरीर की बनावट है, हाइट है, ये है, वो है, अरे ये तो ख़त्म हो जाएगा, जरूरियाँ पड़ जाएंगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा में हमेशा तरोताज़ा रहेगा। और इसीलिए आज मेरा जो विषय है वो है कैसे हम एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के लिए उदाहरण बन सकते हैं, एक जीवित उदाहरण, और विशेष करके हमारे नौजवान। नौजवानों, मुझे आज आपसे थोड़ा बात करनी है, और आप जरूर सुनिए, अगर आप नौजवान नहीं हैं तो आप दूसरों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। एक वर्स, एक बाइबल का पद जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ नमूने के बारे में, किस प्रकार से आपको और मुझे वो नमूना बनना है, वो मॉडल बनना है। पहला तिमोथी और उसका चौथा अध्याय, पहला तिमोथी उसका चौथा अध्याय और 12वां पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और 11 पद से, इन बातों की आज्ञा कर और उन्हें सिखाता रह, और कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बन जाए, आदर्श बन जाए, मॉडल बन जाए, नमूना बन जाए। फिर से मैं पढ़ूंगा 12वां पद, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। किसमें आपको और मुझको आदर्श बनना है, नमूना बनना है? वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। और जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में क्या रहे, लवलीन रहे। वो पॉल तिमोथी को इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझको एक आत्मिक आदर्श के रूप में रखना मांगता है, सिर्फ बोलने वाले नहीं। अरे साहब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या लिखा रहता, मैंने कई बार देखा कि लिखा रहता है यहाँ पर ना थूकें, जहाँ पर लिखा है उसी के नीचे पूरा लाल लाल भरा पड़ता, कोई आकर के थूक देता, मॉडल नहीं है साहब, मॉडल नहीं है। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें टीवी में देखते हैं, आज का विचार है ना, या पेपर में पढ़ते, अरे साहब क्या बढ़िया सेइंग है, बस वहीं पर रुकता है। उसको करने वाला मॉडल जो है, आदर्श बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है।
मेरे दोस्तों, हमारे मसीह जीवन में कभी कभी हमारे प्रचारक बोलने के लिए तो बहुत तेज हैं, एक से एक प्रचारक आपको मिलेंगे, उपदेशक, लेकिन मॉडल या आदर्श की बात बोलेंगे, अरे साहब, तो बात कुछ और है ना। और हमारे कलीसिया में लोग मॉडल देखना मांगते हैं, ये जो बोल रहा है वो करता भी है कि नहीं, ऐसे ही बोल रहा है। अब आप बोलेंगे, भाई साहब, आप जो ये उपदेश दे रहे हैं, आपका भी मॉडल बने, आदर्श बने, बिल्कुल आपका पूरा अधिकार है पूछने के लिए, और उससे पहले पवित्र आत्मा ही मुझसे पूछता है, भाई तुम ये मैसेजेस दे रहे हो उसमें यूट्यूब में, लेकिन तुम खुद इसके अनुसार चल भी रहे हो कि नहीं, या सिर्फ बात ही कर रहे हो। तो आदर्श बनना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आगे देखें कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। आप इस बात का ध्यान दीजिए, जब हम आदर्श बनने की बात करते हैं तो शैतान चुपचाप नहीं रहता है, वो चुपचाप नहीं रहेगा, वो पूरी कोशिश करेगा कि वो परमेश्वर के प्रति आप और मैं आदर्श न बने, लेकिन उसके पीछे गिर पड़े, उसको नमस्कार करें, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को भी करने की कोशिश किया। हम मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस, उसका 5वां अध्याय और 8 पद में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा हुआ है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको नीचे गिराए। इसीलिए लिखा हुआ, विश्वास में क्या हो जा, दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, यह जानकर उसका सामना करो, है ना। तो मेरे दोस्तों, आपको और मुझको सजग रहना है, और हमें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है कि क्या मॉडल या आदर्श मैं और आप बन सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों, उसका 2वां अध्याय 11 पद में भी यही बात लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये बात वहाँ पर लिखी हुई है कि शैतान पूरी रीति से कोशिश करता है कि मसीहियों को, जवानों को गिरा दें, है ना। तो इसलिए आपको और मुझको होशियार रहने की ज़रूरत है। अब हमने जो अभी पढ़ा कि हमें मॉडल किन बातों में बनना है, किन बातों में बनना है, हमें मॉडल बनना है वचन में, है ना। आपके मेरे वचन कैसे हो, बिल्कुल परमेश्वर के अनुसार चलने में। हमारी और आपके जो वचन हो वो बड़े ग्रेसफुल हो, अनुग्रहकारी हो, नमक से इन्फ्लुएंस करने वाले हों। कुलुसियों की पत्री में आपके लिए पढ़ूंगा, उसका 4 और 6 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आए। फिर से मैं पढ़ूंगा, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित। आपकी बातचीत कैसे, जब आप दूसरों से बात करते हैं, गुस्से में, कटुता के साथ, कठोरता के साथ, या नम्रता के साथ, ग्रेसफुल स्पीच, ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। जब हम अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसी से, अपने टीचर से, अपने बॉस से, चाहे वो कैसे भी क्यों कुछ ना बोल रहे हो, आपका हमारा वचन बोलने का जो तरीका है, टोन, वो मसीह का टोन होना है, एक विश्वासी का टोन होना, बोलने की जो आवाज़ होती है, एक नम्रता वाला, दीनता वाला उसकी आवाज़ होनी चाहिए। इसीलिए तो लिखा हुआ है कि हमें उसमें आदर्श बनना है वचन में। फिर जब भी हम बात करें तो हमारी जो स्पीच है, हमारे जो वचन है, वो सच से बिल्कुल भरे रहें, स्वच्छ सत्यता से भरे रहें। इफिसियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और 25 पद, इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 25 पद क्या लिखा हुआ है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के क्या हैं, अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध
न रहे और शैतान को अवसर मत दो। देखिए साहब, क्योंकि शैतान जो है वो हमें गिराना मांगता है, वो हमें प्रभु के लिए आदर्श नहीं चाहता है कि प्रभु के लिए हम आदर्श बने। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वचन को, हमारी जो स्पीच है, बोलने का जो तरीका है, वो सत्य हो, झूठ बिल्कुल ना हो, कोई भी झूठ, सफ़ेद झूठ, जे काला झूठ, ये सब नहीं, झूठ तो बोलना ही नहीं है, जो है सो है ना, लेकिन नम्रता के साथ, दीनता के साथ, है ना। तभी तो हमें एग्जाम्पल बनना है, तभी तो हम नमूना बनेंगे, आदर्श बनेंगे। इसी का चौथा अध्याय, इफिसियों का चौथा अध्याय और उसका 29 से भी आगे हम पढ़ेंगे। 29 में क्या लिखा हुआ, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। वचन, किस प्रकार का आप वचन निकालते हैं, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्पन्न हो, ताकि सुनने वालों पर क्या हो, अनुग्रह हो। हालेलुया, अनुग्रह हो। गॉसिप मत करिए आप, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के क्या लगी है, छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा, सब बैर भाव तुमसे क्या हो, दूर हो, और एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कोई भ्रष्टाचार, कोई गलत बात आपसे और मुझसे ना निकले, यही बात है ना। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा वचन के बारे में, हमारे स्पीच के बारे में। कभी कभी हम अपने स्पीच को उल्टा सीधा बोलते हैं और फिर दूसरे को हर्ट होता है और बोलते हैं, अरे यार वो मेरा ऐसी मेरी जीभ फिसल गई, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं था। नहीं, मैंने कई बार हर्ट किया, फिर मुझे माफ़ी मांगना पड़ा। पहला तिमोथी और उसका 4:7, पहला तिमोथी उसका 4:7 पद में क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे, क्योंकि भक्ति के लिए अपना साधन इकट्ठा कर। जी हाँ, तो मेरे दोस्तों, हम स्पीच में सावधान रहें, हमारे बोलने का जो तरीका है वो प्रभु को भाए। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसका 35 पद में क्या लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का क्या होगा, लेखा लिया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हम होशियार रहें, हमारा स्पीच, हमारे वचन कैसे हो। फिर हमें एक आदर्श बनना है अच्छे कॉन्डक्ट में, अच्छे चरित्र में, अच्छे व्यवहार में, हमें एग्जाम्पल बनना है। इफिसियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय 22 पद से हम आपके लिए पढ़ेंगे। एक नए मनुष्यत्व की कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र, चित्रण यहाँ पर दिया गया है कि तुम अब अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, क्या करो, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। एक नया मनुष्यत्व, एक नया दम, एक नया मन, एक नया व्यक्तित्व, उसमें आपको और मुझे आदर्श बनना। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं अभी जो आपको उपदेश दे रहा हूँ, मेरा काम अधूरा होगा अगर मैं इसको अपने जीवन में अनुसरित ना करूँ या अपने जीवन में ना लाऊँ व्यवहारिक रूप से। इसीलिए आदर्श बनना है आपको और मुझको, ताकि हमारा कॉन्शियंस, हमारा विवेक क्या हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 पत्रस
3, 15 और 16। पहला पत्रस उसका 3, 15 और 16 क्या लिखा है? परमसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो। इसमें आपको और मुझको आदर्श बनना है, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीह होने अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। विवेक को शुद्ध रखो, मैं 16वां पद फिर से पढ़ूंगा, और विवेक भी शुद्ध रखो इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। सो मेरे दोस्तों, हमें अपने कॉन्डक्ट में, अपने व्यवहार में, अपने विवेक में एक आदर्श बनना है। फिर हमें एक आदर्श बनना है प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हमें क्या बनना है? आदर्श बनना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 यूहन्ना 4:10-13, 1 यूहन्ना 4:10-13, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहाँ प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब प्रेम परमेश्वर ने हमसे ऐसा रखा है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम दूसरों के साथ परमेश्वर का प्रेम दिखाते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं। एक और बात मैं आपके सामने यहाँ पर रखना मांगता हूँ, और वो है हमें अपने आदर्श में, नमूने में क्या होना है? विश्वास योग्य होना है। जी हाँ, विश्वास योग्य होना है। और इसलिए लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 4:2, 1 कुरिन्थियों 4:2 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 1 कुरिन्थियों 4:2, फिर यह बात देखी जाती है कि जो मसीह के सेवक हैं वो क्या हो? विश्वास योग्य निकले, विश्वास योग्य निकले अपने काम में, अपने स्टडी में, अपने प्रॉमिसेस में, अपने टाइम में, हर प्रकार से विश्वास योग्य। कहने का मतलब डिसेप्शन नहीं, धोखा नहीं, मिलावट नहीं, पवित्रता, उसमें हम क्या बने? विश्वास योग्य रहें। अगर कोई हमें कोई काम देता है करने के लिए तो पूरे तन मन से करें, इस बात को सोच करके कि ये काम मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा हूँ, चाहे इसके लिए मेरा बॉस या मेरा गुरु या मेरा भाई या मेरे माँ बाप बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये प्रभु के लिए कर रहा हूँ। इसमें आपको और मुझको क्या होना है? विश्वास योग्य होना मेरे दोस्तों, उसमें आदर्श बनना है। एक और बात है जिसमें आपको और मुझको बहुत आदर्श बनना है, और वो है बहुत मेरे दोस्तों यहाँ पर इसमें कभी कभी समस्या आ जाती है, शुद्धता में, पवित्रता में, और विशेष करके सेक्स से संबंधित जो बातें हैं, यौन से अश्लील जो बातें आजकल हमारे सामने आती हैं उससे अलग रह करके पवित्रता बनना है। जी हाँ, ये जिस प्रकार की अभिलाषाएं, अश्लील पिक्चर, इंटरनेट यूज़, मोबाइल यूज़, इसमें आपको और मुझको आदर्श बनना है। हमें इसके बारे में बात नहीं करना है सिर्फ, दूसरों को, अपने चर्च के लोगों को, दूसरों को भी देखना, देखो मैं फ़ोन उतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करता हूँ जितना मुझे चाहिए,
मैं उल्टे सीधे पिक्चर नहीं देखता हूँ, अश्लील पिक्चर या अपोजिट सेक्स के नंगे पिक्चरों को, फोटोज़ को, मूवीज़ को नहीं देखता हूँ या देखती हूँ। आप इसमें मुझ आपको और मुझको इसमें आदर्श बनना है, सिर्फ बात नहीं करना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा जेम्स याकूब की पत्री, और उसका पहला अध्याय 14 से 15 में क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये कभी कभी आपके साथ मेरे साथ समस्या बन सकती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच कर फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं हमारे भाई बहन, विशेष करके जवान भाई बहन, उनके लिए मैं विनती करना मांगता हूँ। आजकल के मीडिया के ज़माने में, जब हम मीडिया के शताब्दी में हैं, चारों तरफ मीडिया है, नेट, मोबाइल, क्या बोलते हैं, लैपटॉप्स, और पोर्नोग्राफी, वीडियोस, और अरे साहब क्या फेसबुक, ये सब चीज़ें कभी कभी हमें गलत राह पर ले जा सकती है। इसका इसका इस्तेमाल करना वो ठीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग करना वो गलत है ना। लैपटॉप या मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है मेरे दोस्तों, इससे हम बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं यही चीज़ें तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे सामने लैपटॉप है, मेरे सामने मोबाइल है, परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन पवित्रता में, क्योंकि ये हमें खींच करके नीचे गिरा देगा, तो पवित्रता में, पवित्र बातों की ओर ध्यान लगाना है, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी सेक्स की तरफ ले जाती हैं, यौन की तरफ आकर्षित करती हैं, और अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम गिर सकते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर शैतान अपना ज़बरदस्त हाथ मारता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, हमें होशियार रहना है कि हम पवित्रता में, अपने दिमाग में क्या हो, आदर्श बने रहें। पहला पत्रस 1 और उसका 14 और 15 पद, पहला पत्रस 1:14 और 15 क्या लिखा हुआ है? और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं से के सदृश न बनो, पुराना जो जीवन था, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सो मेरे दोस्तों, हमने कई बातों को देखा कि जिसमें हम विश्वास योग्य रहें, उसका मॉडल बनाएं, उसका अनुसरण करें, आत्मिकता में विश्वास योग्य रहें, आत्मिक पवित्रता में भी विश्वास योग्य रहें, आदर्श बने दूसरों के लिए, परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे के लिए आदर्श बने, एक अच्छे कॉन्डक्ट, एक अच्छे व्यवचार, अच्छे व्यवहार का हम आदर्श बने, एक अच्छा स्पीच, अच्छा वचन बोलने का जो तरीका है, जो बात है, उसमें हम क्या बने? मॉडल बने, कहीं हम गिर न जाएं, क्योंकि शैतान हमारे चारों तरफ वो आता है कि किसको फाड़ का है। परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करे कि हम अपने चर्च में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने समाज में मसीह के एक अच्छे आदर्श बने। वो पद फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था, 1 तिमोथी 4:12, 1 तिमोथी 4:12 बहुत अच्छा पद है, इसको हम याद भी कर सकते हैं ताकि दिमाग में रहेगा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, पर वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बन जा? आदर्श बन जा। आज हमने इसी ही के बारे में देखा है, हमारी परमेश्वर अगुवाई करे।